नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 1 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 10,000 के करीब। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 370 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 9,988 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 5, औरंगाबाद में 11, बांका में 4, बेगूसराय में 31, भागलपुर में 16, भोजपुर में 9, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, गया में 8, गोपालगंज में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 10, कटिहार में 26, खगड़िया में 5, किशनगंज में 9, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 8, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 10, नवादा में 20, पश्चिम चंपारण में 13, पटना में 39, पूर्वी चंपारण में 7, पूर्णिया में 2, रोहतास में 8, समस्तीपुर में 21, सारण में 1, शेखपुरा में 5, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 9, सुपौल में 14, वैशाली में 28, साहिबगंज में 1 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक 7,544 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोविड-19 की वजह से 68 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किया राष्ट्र का संबोधन। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त में खाना मुहैया करवाने का ऐलान जारी किया है। इतना ही नहीं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध करके दूसरे चरण में भी नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं सभी लोगों और चिकित्सकों का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। बिहार के 4 प्रमुख नदियों का स्तर लगातार उफान की ओर। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर आ गई हैं, क्योंकि लगभग सारी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बिहार में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं नेपाल के आसपास के इलाकों में बारिश होने की वजह से महानंदा, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी का जल स्तर भी लाल निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मुजफ्फरपुर और जहानाबाद से पटना और गोपालगंज में बारिश की पूरी संभावना बताई गई है, जिसकी वजह से बाढ़ आने के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को मिली अस्पताल से छुट्टी। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कुछ दिनों पहले कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद लगातार उनका इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद अब उन्हें बीते दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों की सलाह पर बीते दिन वो एम्स से बाहर निकल चुके हैं। साथ ही डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 17 जून को रघुवंश प्रसाद सिंह पटना के एम्स में भर्ती हुए थे। बक्सर से भागलपुर तक गंगा किनारे बनेगी 4 लेन सड़क। उक्त ऐलान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वर्चुअल बिहार संवाद के दौरान की है, जिसके तहत उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया है कि बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे 4 लेन सड़क का निर्माण करवाया जाना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बक्सर तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस सड़क के बनने से भागलपुर से दिल्ली तक का सफर सभी आम नागरिकों के लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहने से भागलपुर सहित बिहार में तेजी विकास का काम पूरा हो रहा है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, सारण, वैशाली, बक्सर, नवादा, नालंदा, जमुई में बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर बर्फ गिरने की भी संभावना देखी गई है, जिसको लेकर के सभी जिलों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। साथ ही बिना वजह लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के जिलों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान में भी अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पवित्र रिश्ता को एक बार फिर से पर्दे पर प्रसारित करने का हुआ ऐलान। सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद आज तक उनके साथ उनके जाने की खबर उनके फैंस उभर नहीं पाए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब जी टीवी पर सुशांत सिंह राजपूत के फेमस सीरियल पवित्र रिश्ता का प्रसारण दोबारा से किए जाने का फैसला सुनाया गया है। उनके इस सीरियल को दोबारा से प्रसारित करने पर चैनल ने अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जी टीवी ने यह फैसला लिया है कि सुशांत की याद में एक बार फिर से सीरियल पवित्र रिश्ता का प्रसारण किया जाए। इस सीरियल से ही सुशांत सिंह राजपूत को घर घर में पहचान मिली थी।
पटना जंक्शन पर लगे मशीन से आसानी से खरीद सकते हैं तकिया और डिस्पोजेबल बेडशीट। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच रेल से सफर कर रहे यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान तकिया और बेडशीट देने से मना कर दिया गया था, मगर अब यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रेलवे की तरफ से कियोस्क से चादर और तकिया खरीद सकते हैं। डीआरएम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधा प्रदान करने के लिए दानापुर मंडल समेत पूर्व मध्य रेल ने पहली बार डिस्पोजेबल बेडशीट और चादर मशीन से देने की शुरुआत की है। बिहार बोर्ड आईटीआई उच्च माध्यमिक भाषा परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड ने प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा 2020 के लिए डमी एडमिट कार्ड बीते दिन जारी कर दिया है। इस डमी एडमिट कार्ड को सभी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardonline.com पर जाकर 3 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच डाउनलोड एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सुधार करवाए जाने का मौका भी दिया गया है, जिसके बाद अब 21 जुलाई को बोर्ड प्रवेश परीक्षा पत्र जारी करेगा। दार्जिलिंग की तर्ज पर बिहार के सीमांचल में होगी चाय की खेती। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती व्यापारिक रूप ले चुकी है। जिले में 20,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर इसकी खेती के साथ इसके प्रसंस्करण और खेती का काम भी चल रहा है। अब इसका विस्तार सीमांचल के जिले और पूर्णिया, कटिहार, अररिया में भी किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो सीमांचल में चाय उत्पादन को दार्जिलिंग की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल डी बोर्ड ने भी सीमांचल के जिलों में मिट्टी और जलवायु को उपयुक्त माना है, जिसके बाद डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज द्वारा किसानों को चाय की खेती प्रसंस्करण एवं वितरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर बीडीओ का हुआ तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर बीडीओ का तबादला कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। विभाग में 160 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसकी अधिसूचना विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश कुमार ठाकुर, ममता कुमारी, राकेश गुप्ता, परवेज आलम समेत कई अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। बिहार के 374 इंजीनियरों का भी हुआ तबादला। बिहार में इन दिनों कई अधिकारियों का तबादला लगातार किया जा रहा है। वहीं बीते दिन राज्य सरकार की तरफ से 374 इंजीनियरों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 179 इंजीनियरों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग में 195 अभियंताओं का तबादला किया गया है, जिसकी पूरी सूची ग्रामीण विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। टिड्डियों को लेकर बिहार के 20 जिलों में जारी की गई अधिसूचना। मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य से निकलकर अब टिड्डियों का दल बिहार के कई जिलों में पहुंच गया है, जिसके लिए सतर्कता जारी कर दी गई है। खबरों की माने तो बिहार के 20 जिलों में यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषि विभाग ने टिड्डियों के प्रवेश वाले 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है और अधिकारियों को सावधान रहने का निर्देश भी दिया है। वहीं बाकी बचे 10 जिलों को येलो जोन में रखा गया है, जहां सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी जिले को रेड जोन में नहीं रखा गया है। अधिकारियों की माने तो राजधानी पटना में 50,000 टिड्डियों के होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि कृषि विभाग की तरफ से इसकी पूरी तैयारी होने का दावा भी किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने के बाद तेजस्वी से मिलने पहुंचे शेखर सुमन। बिहार से निकले अभिनेता शेखर सुमन कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने परिस्थिति पर परिवार को हिम्मत के साथ काम लेने की अपील की है, जिसके बाद बीते दिन तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। खबरों की माने तो शेखर सुमन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तेजस्वी से अकेले में बातचीत की है और सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। कांग्रेस विधायक निकले कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 अपना प्रभाव अब राजनीति तक फैला रहा है। पहले राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, उसके बाद भाजपा के कई नेताओं में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के विधायक भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों की माने तो औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांग्रेस विधायक को पिछले 2-3 दिनों से बुखार की समस्या थी, जिसके बाद उन्होंने अपना जाँच करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीते दिन एक चिट्ठी जारी की है। बिहार में रजिस्टर्ड 150 दलों को पत्र लिखा गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए पत्र के तहत कोई भी दल अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी चुनता है जिनके खिलाफ कोई भी मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसको यह बताना होगा कि उसने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना है। चुने जाने के 48 घंटे के भीतर फॉर्मेट सी के साथ ही उसे समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी। यह सूचना राज्य और राष्ट्रीय अखबार में देना अनिवार्य होगा। अगर कोई दल इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी।
विधान परिषद के सभी निर्वाचित MLC आज लेंगे शपथ। बिहार विधान परिषद के 9 नव निर्वाचित सदस्य आज अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जदयू, भाजपा, राजद और कांग्रेस के नव निर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह शपथ दिलवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधान परिषद के लिए यह सभी 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को चुनाव करवाने का फैसला लिया था, मगर नाम वापसी के आखिरी दिन पर किसी ने भी नाम अपना वापस नहीं लिया था, जिसके बाद विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई थी। सिपाही दक्षता परीक्षा को किया गया स्थगित। बोर्ड के अध्यक्ष KS द्विवेदी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार सिपाही दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 3, 6 और 15 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा को बिहार में COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 3/2019 बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक, विज्ञापन संख्या 4/2019 परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही एवं विज्ञापन संख्या 2/2019 बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपना संबोधन जारी किया था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस लापरवाही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं, उन्हें यह बात अपने सहयोगी दल के लोगों को समझानी चाहिए। उनके समर्थन से जो लोग मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यह बात अब समझना होगा कि बिहार में काफी तेजी से COVID-19 फैल रहा है। राज्य में किसी तरह की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जांच के मामले में बिहार सबसे खराब परिस्थिति में चल रहा है। यहां भी सुरक्षित नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने AES पर नियंत्रण पाने का किया दावा। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या जहां एक तरफ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ AES के कई मामले भी सामने आए थे। हालांकि अब इन सभी मामलों पर ब्रेक लगाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि AES पर नियंत्रण पाने में इस साल बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले साल 30 जून तक 164 लोगों की AES की वजह से जान चली गई थी, वहीं अब इस साल केवल 12 लोग ही इसके चपेट में आए हैं। राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर दी अपनी प्रतिक्रिया। राजद नेता मनोज झा ने बीते दिन प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश में आज की तारीख में जो हालात है और सरहद से लेकर लोगों को आम जिंदगी में जो भी हो रहा है, इन सबको देखते हुए बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। कई चीजों में उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो प्रेस रिलीज से भी कह देते तो बड़ी बात नहीं होती। साथ ही सरहद पर अभी जो हालात है, आपने ऐप तो बंद कर दिया लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन देश को उस सिंबल से ज्यादा जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली में किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने बात करने के अंदाज से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाते नजर आए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल से मैथिली भाषा में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गरीब जन के सम्मान सुनिश्चित करे वाला बा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसे देश भर के करोड़ों लोगों के फायदा हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो राष्ट्र का संबोधन कर रहे थे। भारत निर्मित शॉर्ट वीडियो ऐप को अब तक 30 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। चीन कंपनी टिकटॉक के बंद होने के बाद भारतीय निर्मित ऐप चिंगारी को कई यूजर्स ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस ऐप को 30 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस ऐप को बेंगलुरु से प्रोग्रामर विश्वात्मम नायक और सिद्धार्थ गौतम ने पिछले साल बनाया था। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर शीर्ष स्थान पर चल रहा है, जिस पर ऐप को बनाने वाले नायक ने कहा है कि यह ऐप एक नया प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश करेगा। एरॉन फिंच ने की विराट कोहली की तारीफ। विराट कोहली की बल्लेबाजी की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है, वहीं सभी खिलाड़ी विराट कोहली की तारीफ भी आए दिन करते नजर आते हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और वहां उम्मीदों का बोझ काफी ज्यादा है। इन सारी बातों के बीच विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर शानदार पारियां खेली हैं। अपने करियर के दौरान सभी खिलाड़ी बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी का फॉर्म लगातार 2 क्रिकेट सीरीज में खराब नहीं रहा है। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद सिन्हा बने मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके विनोद सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया है। बीते लंबे समय से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर कोई भी नहीं था, जिसके बाद इस जिम्मेदारी को विनोद कुमार सिन्हा को सौंप दी गई है। अध्यक्ष बनने के बाद विनोद कुमार सिन्हा ने कहा है कि नई जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो पूरी निष्ठा से करेंगे। अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नागरिकों की अपेक्षा पर उतरने की हर संभव प्रयास करने का भी आश्वासन
आश्वासन दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रवि कुमार, ब्रिजेश कुमार, रामनाथ कुमार, कुमार संतोष, राधेश्याम कुमार, प्रदीप कुमार, सुशील कुमार, विनीता भारती, पार्वती देवी, आदित्य कुमार, मिस्त्री वीर मल्होत्रा, प्रीति सिंह, राजा राम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, चाइनीज ऐप को बंद किए जाने के बाद आपके अनुसार और कौन कौन से चीनी उत्पादों पर रोक लगाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।